संदेश आरके तिवारी ने दिया है मुख्य सचिव ने। हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर दुकानें नहीं खुलेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों छोटे कस्बों में खुलने की अनुमति है, यानी जो ग्रामीण इलाके हैं छोटे कस्बे हैं वहां खोलने की अनुमति होगी। निर्माण सामग्री ईंट सीमेंट मोरंग बालू की दुकान सरिया हार्डवेयर मोबाइल रिपेयर की दुकान खुलेगी, इसे नोट कर लीजिए। ये मुख्य सचिव आर के तिवारी का आदेश है। दुकानों को सशर्त खोले जाने की अनुमति दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन कराया जाएगा, ये बड़ी खबर है। इस बीच भारत समाचार पर ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, मैं उन दुकानों के नाम बता रहा हूं जो खुलेंगी ग्रामीण क्षेत्रों छोटे कस्बों में खोलने की अनुमति दी गई है, जैसे निर्माण सामग्री ईंट सीमेंट मोरंग बालू की दुकानें खुलेंगी, सरिया हार्डवेयर मोबाइल रिपेयर की दुकान खुलेगी। दुकानों को सशर्त खोलने जाने की अनुमति मुख्य सचिव ने दी है और ये भी उन्होंने कहा है, उनकी कड़ी गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। और अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक, ये चीजें क्लियर हो गई अब कि क्या खुलना है क्या नहीं खुलना है? जी हाँ बिल्कुल, गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद और लॉकडाउन पीरियड को बढ़ाए जाने के बाद ये पहला फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का कि आखिर ग्रीन जोन रेड जोन ऑरेंज जोन में उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे पहले क्या करने जा रही है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्माण संबंधी जो सामान मटेरियल्स होते हैं बालू ईंट मोरंग इन चीजों की बिक्री को वो शुरू करने जा रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स को शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। तो ये पहला आदेश है जो कि खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों के लिए है, यानी हॉटस्पॉट एरियाज चाहे वो किसी भी जोन में हो फिलहाल वहां पर सुविधाएं रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों के लिए है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों के लिए ये है, ये ध्यान देना होगा। मेरठ में कोरोना के 6 नए